सचिन यादव, अभय सिहाग, रमेश यादव, अखिलेश कुमार, गुड आफ्टरनून सभी को नमस्कार। रमेश यादव, कमलेश गोदारा, कृष्णा यादव, महेश कुमार, जय श्री श्याम, कमलेश गोदारा, शैलेंद्र चौधरी, शैलेश चौधरी, राधे राधे भाई शैलेश। सर आई एम जाइल योर बेस्ट स्टूडेंट। क्या बात है जाइल, जाइलिया हैं। शैलेंद्र, मनीषा मेहरा, कमलेश गोदारा, पार्वती देवी, कृष्णा यादव, जितेंद्र, मुकेश कुमार भुगड़िया, अनुसिया पारिक, जितेंद्र मीणा, कमलेश मोहर सिंह दाइमा, मनजीत सिंह युगल से ऊपर चला गया, केसाराम रविंद्र, कमलेश मोहर सिंह, रमेश प्रवीण, मोहर सिंह सांवरमल, सुखराम, अजय नमस्कार, आरजे प्रवीण, उमेश कुमार, अर्चना सिंह, प्रवीण जांगू, घनश्याम प्रजापति, कबीर बाबाई, कबीर सुखराम गुज्जर, ओमाराम, सुबे सिंह, महेंद्र, भूपेंद्र थानराम, महेंद्र, आरजे सोनल चौधरी, विकास मोहन, मन्नू मुंड, श्याम मिश्रा, राहुल बोकोलिया होता है बाकोलिया, महेंद्र चौधरी, भीमाराम गुज्जर, बयाना महेंद्र चौधरी, कमलेश महेंद्र चौधरी, मोहन, भूपेंद्र, विकास कुमार, घनश्याम प्रजापति, रमेश, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार भाई, खूब खुश रहो। विकास मीणा, भूपेंद्र, केसाराम, सत्यम मिश्रा, मोहन सैनी, जीतराम चौधरी, सूरी, रविंद्र सिंह, निधि धाकड़, विकास, कैलाश चंद्र, आरजे सिंह, उपेंद्र, थानाराम, अजय कुमार, कमलेश, दीपक, खुशबू सिंगल, उमेश कुमार, प्रवीण जांगू, महेश कुमार, सचिन यादव। अरे खुशबू सिंगल, तू तो आरएस मेंस की तैयारी कर रही है, मेंस का दे भी दिया, तेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मुकेश कुमार मीणा, सचिन, महेश कुमार, सुनील मालव, शिवानी पारिक, मनीष कुमार चौधरी, जीतराम चौधरी, राम राम भाई जीतराम, बहुत अच्छा बच्चा है। सुबे सिंह खंडेलवाल, अजय कुमार, नमस्ते, रमेश यादव, प्रियंका चौधरी, कमलेश गोदारा, ठीक है अब कमेंट करना बंद करें, लास्ट में कर देना ताकि आप मैं सभी से रामा श्यामा कर लूं। श्याम सुंदर शर्मा मालपुरा, विकास मीणा, अर्चना सिंह, सब रुक जाओ, अब एक बार अपन पढ़ते हैं। और शायद शनिवार को अपन ने पढ़ी थी, शनिवार को अपने जो गीत चल रहे थे वो चल रहे थे पर्वोत्सव के गीत, जिनमें हमने गणगौर पढ़ लिया था, बहुत से त्यौहार। अब ध्यान देना पर्वोत्सव के गीतों में एक गीत बधावा, हालांकि जब अपन ने विवाह के गीत पढ़े थे बना बनी उस टाइम भी, हाँ भाई मिथिलेश, उमेश, महेंद्र, पार्वती, कृष्ण, कानाराम, सबको नमस्कार, नमस्कार रमेश, पूजा श्री, राम राम, आरजे सिंह, गुरुजी क्या कहीं करो मैं भी बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। बधावा गाए जाते हैं हमेशा मांगलिक अवसरों पर गाते हैं। बताइए मांगलिक अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं? बधावा। ऐसा कोई भी काम जो आदमी बताए और अपना मन करे कि उसको बोले बधाई हो, भाई यार मैंने नया मकान बनाए, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, मेरे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, बधाई हो, है कि नहीं? कोई भी, मैंने गाड़ी खरीदी है, बधाई हो, मेरे छोटे भाई की सगाई हो गई, बधाई हो। तो ऐसे जो कार्यक्रम है उन सभी को क्या कहते हैं? मांगलिक अवसर। जैसे गृह प्रवेश होगा तो बधावा गाए जाएंगे, नववधु का आगमन, नई दुल्हन घर में आए, ये पहले भी बता चुका है लेकिन केवल इसी संदर्भ में बताया था, नववधु का आगमन, सगाई, मकान की नींव लगाना। पुराने जमाने में तो बेटा बैल खरीदा करते थे ना, तब भी ये गीत गाया करते थे। अब बैल की जगह क्या खरीदते हैं? गाड़ी खरीद आदि जब मामले होते हैं तो
तो जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों को क्या कहते हैं? मांगलिक के अवसरों पर गाए जाने वाले बधावा। बधावा कब कब गाए जाते हैं? गृह प्रवेश पर, नई दुल्हन के आने पर, सगाई के मौके पर, मकान की नींव लगाने पर और गाड़ी की खरीद पर। ऐसे मामलों को कहा जाता है मांगलिक अवसर। और ऐसे ही मांगलिक अवसरों पर क्या गीत गाए जाते हैं? बधावा, जिनमें अगले को कॉन्ग्रेचुलेशन कहा जाता है, सादर प्रणाम लाला राम, मुकेश, मनीष, सविता, खुशबू सिंगल, सर लड़की रतन पर बधाई नहीं होती क्या? लड़की रतन नहीं होती बेटा, लड़की भी रत्न होती है, आजकल गाए भी जाते हैं, ये बात मैं पहले क्लियर कर चुका। और देखा जाए तो रियल में लड़की ही रत्न होती हैं, लड़के तो मूछड़ होते हैं ना कि नहीं? सर जी आपकी साली भी ऑनलाइन है आज। ये मंजीत सिंह यादव कह रहा है कहाँ यार, अभी नाम तो नहीं देखा। और आपको क्या पता, आप कैसे जानते हो मेरी साली को, कहीं गड़बड़ तो नहीं मामला? श्याम सुंदर रोशन, क्या पता जैसे मैंने वो कमेंट आया, मैंने यहाँ पर घोषणा की, उसके बाद में क्या पता तेरा ध्यान मंजीत सिंह यादव उधर ही तो डाइवर्ट नहीं हो गया क्या? पूजा ओम मालावत, हाँ बिल्कुल बिल्कुल है साहब, नमस्कार। तब मैं गीत गा के नहीं बताऊँगा, प्रवीण जांगू, कमलेश गोधारा हैं, एकता कुमारी, आरजे सिंह, सुबे सिंह, ठीक है। और देखिएगा प्रभोत्सव के गीत, एक गीत है जिसका नाम है हिंडो। कौन सा? हिंडो। एक गीत है तीज, एक गीत हिंडो, दूसरा गीत तीज। और दोनों ही गीत किस महीने में गाया जाता है? सावन में झूला झूलती महिलाएं। झूले को राजस्थानी भाषा में हिंडो कहा जाता है। मंजीत दांत मत निकाले बेटा, है ना? सावन में झूला झूलती महिलाएं। और एक बात बताओ, झूला झूलती महिलाएं पेट की एक टहनी पर रस्सियां लटका लेते हैं, उसको झूला बोलते हैं, उस पर झूलती है। और कोई मेरी मैडम जैसी लुगाई अगर झूला झूले तो साढ़े पेट की भी टहनी टूट के नीचे गिर जाएगी, डेढ़ क्विंटल वजन है। सावन में झूला झूलती महिलाएं गाती हैं कौन से गीत? दो गीत हैं, तीज और हिंडो। तीज और हिंडो दोनों तीज के अवसर पर, जो सावन का महीना आता है ना, सावन का महीना पवन करे शोर और जिया रारा झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। ये अलग है, आई आई सावणी आरी तीज वो रसिया, तीज वो रसिया। तीज कहाँ की फेमस आप जानते होंगे कि आई आई सावणी आरी। अब आप तो हंस रहे हो और मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये जो साली जी कमेंट कर रहे हैं, इन्हीं की शादी में जब वो महिला संगीत चल रहा था तो मेरी वाइफ ने कहा, बोलो अपन भी डांस करते हैं। मैंने कहा मैडम मैं राष्ट्रीय कवि, दूरदर्शन का एंकर, मैं टीचर, मैं डांस करता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा। फिर भी कहा, बोले ज़्यादा दादागिरी नहीं, डांस करना ही पड़ेगा, देखो बाकी जीजाजी सब डांस कर रहे हैं, आपको कोई ज़्यादा शर्म आती है क्या? मैंने कहा मैडम कौन से पे डांस करें? मैडम ने कहा, बोलो डांस करेंगे अपन नागिन पर, मैं बन जाती हूँ नागिन और आप मुँह में रुमाल लेके सपेरा बन जाना। मैंने कहा डेढ़ क्विंटल की नागिन, अरे नालायक तू डांस करेगी तो लोग क्या करेंगे? देखो जी गाना तो नागिन का चल रहा है, वो डांस अजगर कर रहे हैं, तो लफड़ा हो जाता है। याद रखना, सावन में झूला झूलती महिलाएं जो गीत गाती हैं वो एक है हिंडो और दूसरा कौन सा है? तीज। तीज कहाँ की फेमस है? तीज जयपुर की है कि आई आई सावणी आरी तीज वो रसिया, तीज वो रसिया, जयपुर देख माने जा बादे। तो वो मना करता है कि देखिए देखिए अंजू अंजू सब हंस रहे हैं, हमारा महेंद्र और साली जी शिकायत कर देंगे तो मेरे शाम को जूत पड़ जाएंगे, रोटियों में संकट आ जाएगा। तो गाय थारी डोले बाची ने कुण खोले, गाय थारी डोले बाची ने कुण खोले, गाय थारी डोले बाची ने कुण खोले, भैंस थारी हथियारी ये सजनी, हथियारी ये सजनी, जयपुर देख बाने रह बादे। तो गाय ने खुलवा देस्यूं बाची ने बंदवा देस्यूं, उसकी भयंकरी चौरी तीज देखने की कि गाय ने खुलवा देस्यूं बाची ने बंदवा देस्यूं, भैंस ने ननद ले जासी वो रसिया, ले जासी वो रसिया, जयपुर देख बाने जा बादे, हाँ जयपुर देख बाने जा बादे। तो हिंडो और तीज दोनों ही गीत किस महीने में गाए जाएंगे? सावन के महीने में। सावन के महीने में जब तीज खेलने जाती है, तीजड़ियां कहते हैं उन महिलाओं को, बालिकाओं को, बालिकाएं भी आ सकता है इसमें, महिलाएं भी हो सकती है। और जब झूला झूलती है सावन के महीने में तो कौन कौन से गीत गाती है? एक है गीत हिंडो और एक गीत है तीज। और इसी के साथ मित्रों पर्व और उत्सवों के गीत होते हैं यहीं पर समाप्त।
और आइए आगे पर्व और उत्सवों के गीत के साथ आगे चलते हैं और अब पढ़ेंगे अपन अन्य गीत जो ना शादी के गीत हैं, ना विरह के गीत हैं, ना दाम्पत्य गीत के हैं, अन्य गीत। और एक तरफ लिखते हैं अपन उनका विषय। ध्यान दीजिएगा, अन्य गीतों में सबसे लोकप्रिय राजस्थान का जो गीत है वो कौन सा है? घूमर। हो मारी लवली डियर, क्या कह रहा है राहुल जी? कुछ काम था इसलिए नहीं ले पाए क्लास, सॉरी बाद में ले ली थी, थैंक यू लवली डियर। घूमर, हमारी घूमर छे नखराड़िए माए घूमर। ये है साहब, ध्यान देना, राजस्थान का सबसे लोकप्रिय गीत, राजस्थान का सबसे लोकप्रिय गीत, याद रखना, राजस्थान का सबसे लोकप्रिय गीत घूमर है, जबकि राजस्थान का राज्य गीत है वो केसरिया बालम है। राज्य गीत केसरिया बालम, राज्य गान धरती धोरारी, जबकि सबसे लोकप्रिय गीत जो है वो कौन सा है? घूमर है। बताइए राजस्थान का सबसे लोकप्रिय गीत कौन सा? घूमर। और ये ना केवल राजस्थान का सबसे लोकप्रिय गीत है बल्कि पूरे विश्व का, ऑल वर्ल्ड, पूरे विश्व का सबसे लोकप्रिय गीतों की जब सूची बनाई जाती है तो चौथे नंबर का लोकप्रिय गीत है। पूरे वर्ल्ड में चौथे नंबर का लोकप्रिय गीत कौन सा है? घूमर। तो स्वाभाविक रूप से राजस्थान का सबसे लोकप्रिय गीत कौन सा बताना अपने को? घूमर। ओ माने रमता ने लाडूडो ला दियो ये माय घूमर रमबा में जाशा हो राजरी घूमर रमबा में जाशा। ये गीत भी कब? मांगलिक अवसरों पर, शादी ब्याह होता है ना तो मांगलिक अवसरों पर, याद रखना ये गीत गम का गीत नहीं खुशी का गीत है, इसलिए मांगलिक अवसरों पर नृत्य के साथ गाया जाता है, इसके साथ नृत्य भी होता है और गाती हैं, टी कर दिया मतलब महिलाएं, महिला इसके साथ नृत्य करती है, नृत्य भी घूमर होता है और गीत भी घूमर होता है। याद रखना मांगलिक अवसरों पर नृत्य के साथ गाती हैं, कौन सा गीत? घूमर। राजस्थान का सबसे लोकप्रिय गीत कौन सा? घूमर। और घूमर गीत सर्वाधिक किस जाति में? राजपूतों में। किन में प्रचलित है साहब ये घूमर? राजपूतों में विशेष प्रचलित है, वैसे तो सभी में है लेकिन ये किस जाति में विशेष रूप से प्रचलित है? ये साहब विशेष रूप से प्रचलित है राजपूत जाति में। बेटा एक मुख्य बात, ये गीत ढूंढाड़ से निकला है, इसमें जो सहायक क्रिया के रूप में राजस्थानी भाषा में विशेष रूप से है बोला जाता है, कहीं कर रही है, कठे जा रही है, केकरे है, लेकिन इसमें छह बोला गया है कि नहीं? ओ माने राठोड़ारी भर भल दीजो ये माय घूमर रमबा में जाशा हो राम राजरी घूमर रमबा। अब एक बात ये भी देखी होगी आपने, ये राजस्थान का सबसे लोकप्रिय गीत है, इसको राज्य गीत क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि ये गीत एक कम्युनिटी विशेष को संबोधित है, एक जाति विशेष का इसमें जिक्र आता है, जबकि केसरिया बालम किसी जाति विशेष का नहीं, किसी क्षेत्र विशेष का नहीं, बल्कि उसमें राजस्थान की बांट बांट का, राजस्थान की मिट्टी के कण कण का वर्णन है, इसलिए ये नहीं बन पाया। एक बार दोबारा देखते हैं कि एक बिंदु, राजस्थान का सबसे लोकप्रिय गीत घूमर, ये कब गाया जाता है? मांगलिक अवसरों पर नृत्य करते हुए गाया जाता है। विशेष रूप से किस जाति में प्रचलित है? साहब राजपूतों में। और जहां पर ब्रजभाषा बोलते हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इन तीन जिलों को छोड़कर शेष जो पश्चिमी राजस्थान है, तो याद रखना ये पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है, निकला है ढूंढाड़ से और विशेष रूप से गाया जाता है मारवाड़ क्षेत्र में। भारत का सबसे लोकप्रिय गीत कौन सा है? मारी तीतरी के बेल बेट को लंगो ले आयो रे। अपन राजस्थान का जीके पढ़ रहे भाई, जाति विशेष के कारण इसमें ना, माने राठोड़ारी बोली प्यारी लागे ये माए, तो बोली तो यार गुजरों की भी है,
मीणों की भी है, जाटों की भी है, सभी की है, लेकिन इसमें एक बार बार एक ही माने राठोड़ारी भर बल दीजो ये माय, माने राठोड़ारी बोली प्यारी लागे ये माय, है कि नहीं। सुमन गिला, सुखराम गुजर, रमेश सागर, दिनेश प्रजापति, केसाराम सरजी, अरे काय की प्रशंसा, माया धाबाई, कमलेश गोदारा, जायल योर बेस्ट स्टूडेंट, जायल जायल मोटा वोटा हुआ कि नहीं घीवी खा के लॉकडाउन में, पंडित जी सर धौलपुर में भी गाया जाता, गाते नहीं वो डीजे में चला लेते हैं, नाचा कूदी कर लेते हैं शादी ब्याह में, मैंने धौलपुर में खूब आया हूँ। लवली डियर ओमारम, विजय भात, विजय भात नहीं पता यादवों की सर, हाँ बिल्कुल सही, विजय भात, विजय भात ओमाराम, पहले युद्ध होता था तो राजस्थान भात कहते हैं चावल को, अपने राजस्थान में चावल नहीं होता तो बाजरे की घूगरी बनाकर के योद्धाओं को खिलाई जाती थी, युद्ध में जीत कर आए गए योद्धाओं को स्वागत, बाजरे को उबाल लेते थे पानी में नमक डाल के और उबले हुए उस बाजरी को खिलाया जाता, घूगरी कहते हैं जिसको, तो बाजरे की घूगरी ही विजय भात कहलाता है। खीचड़ा नहीं, खीचड़े में तो तिल भी होता है, मोठ भी होता है, मूंग भी होता है, कूटा हुआ बाजरा, इन सबको मिलाते हैं तब खीचड़ा होता है, केवल बाजरे को नमक और पानी के साथ उबाल के खिलाया जाता, उसे विजय भात कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। घूमर घूमरा, मारे ब्याह में पको, पक्का पक्का पक्का, कभी भरतपुर आओ सर भूपेंद्र गुर्जर, तेरी शादी में आऊंगा बेटा, और तेरी शादी हो गई ना तो फिर तेरी बीवी की शादी में आऊंगा। नहीं पढ़ाते यहाँ, छोड़ दी बेटा। रोशन नाइस सर, ध्यान दीजिएगा, घूमर गीत आपने आराम से देख लिया होगा, एक बहुत सुंदर गीत है, बहुत प्यारा गीत है, बहुत भावपूर्ण गीत है, और गीत का नाम है चिरमी। आप में से कौन कौन है जो चिरमी जानते हैं? हो चिरमीरा डाला चार वारी जाऊं चिरमी ने, चढ़ती रो चमक्यो चूड़ लो जी, चढ़ती रो चमक्यो चूड़ लो, उतरती रो नौ सरहार, भोली मारी चिरमी ये, चिरमीर मारी चिरमली, चिरमीर मारी चिरमली, चिरमीराती का पान, प्यारी मारी चिरमी ये, बाबो सारे चढ़ बन गोड़ लो, बाबो सारे चढ़ बन घोड़ लो, मारा बीरो साने, मारा बीरो सारे चढ़ बन तोड़, भोली मारी चिरमी ये, चिरमीर मारी चिरमली, चिरमीर मारी चिरमली। मुकेश कुमार मुकड़े कह रहा कोनी जाना बेटा, चिरमी मैं दिखाता हूं, मैं लेके भी आया हूं, मुझे पता था कि आज यहां तक पढ़ा चुका, आगे ये पढ़ाना है, तो ध्यान दीजिएगा इस कैमरे में आपको ये दिख रही है क्या, बताना देखिए, ये दिख रही है कि एक लाल लाल दाना है, लाल है इसका मुंह, काला काला होता है, बाकी का इससे सुंदर बीज इस राजस्थान में कुछ नहीं होता, राजस्थान में क्या पूरे विश्व में इससे सुंदर किसी भी फसल का, किसी भी औषधि का कोई बीज नहीं हो सकता। आप देखिए चिरमी है, चिरमी रे मारी चिरमली, दिख रही है क्या मोनिकार पंडित जी? सर मैंने तो आज ही लिए क्लास, आप मस्त रोशन, वाह पार्वती देवी, दिख रही है क्या एक बार बताओ, चिरमी दिख रही है क्या? ये चिरमी है बेटा, देखो ये होता है क्या चिरमी, ये देखिए, रति बिन रिद्ध, रति बिन सिद्ध, रति बिन अलमानस लागत भी को, इसका वजन माना जाता है एक रति, और बेटा ये 12 चिरमी होती है तो 12 चिरमी के बराबर माना जाता है एक तोला, तो ये प्राचीन काल में सोना तोलने के काम आया करती थी, सोना तोलने में इस एक चिरमी के बराबर यदि सोना है तो उसे एक रत्ती माना जाता था। कारण क्या है, जो गेहूं चना सोयाबीन हर अनाज का दाना छोटा बड़ा हो सकता है, चिरमी का कोई भी दाना छोटा बड़ा नहीं होता, सबका एक जैसा बराबर तोल होता है, इसीलिए सोने को नापने में इसी को लिया जाता है। विकास मीणा करो ऊपर करो, ये कर दी भाई, अब दिख रही होगी आपको, ठीक है? नहीं दिख रही घरा लिया जो साफ नहीं दिख, ये देख ले, ये देख ले, ठीक है, लाल और काली होती है, ये देखना पूरी लाल होती है लेकिन इसका मुंह काला होता है, कहते हैं कि इसकी सुंदरता पर इसको घमंड हो गया था इसलिए भगवान ने इसका मुंह काला कर दिया। हाँ मुकेश कुमार मुकड़े घर ले आऊंगा। पुराने जमाने में जब लड़कियां गुड़िया खुद बनाया करती थी पुराने कपड़ों से,
और नहीं क्या होता है, तो ध्यान देना उस समय इससे गुड़िया का मुंह बनाया करती थी, चारों तरफ कपड़ा लपेट के गुड्डी बोलावनी आती थी। हाँ, लाल 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 कलर था, लेकिन इसको लाल रंग होने पर इसको घमंड हो गया, तो भगवान ने इसका मुंह काला कर दिया। सिरमी का बीज कठोर भी बिल्कुल कठोर होता है, इसीलिए भगवान ने मुंह काला कर दिया। घमंड हो गया, कभी घमंड मत करना सुंदरता पर, नहीं मुंह काला हो जाएगा। अरे गर्व की ओ डूंगर की चिरमी रूप सोना सो पायो है, सोने जैसा रूप पाकर इसको घमंड हो गया। गर्व की ओ डूंगर की चिरमी रूप सोना सो पायो है, ऐसो गर्व की ओ गेली ने मुंह काड़ो करवायो है। थारे हाथ कछु नहीं आयो मन मुंह रख इतनो क्यों गर्वायो है। और गर्व की ओ लंका पति रावण सीता चोर कर लायो है, गर्व की ओ लंका पति रावण सीता चोर कर लायो है, ऐसो गर्व की ओ पापी ने कुल को नाश करायो है। तेरे हाथ कछु नहीं आयो मन मुंह रख इतनो क्यों गर्वायो है। रावण का सत्यानाश हो गया, चिरमी का रूप चला गया। गर्व की ओ रतना कर सागर नीर को अंत न आयो है, पानी की अथाह मात्रा को मुझ में इतना पानी देकर समुद्र को घमंड हो गया। कि गर्व की ओ रत्नागर सागर नीर को अंत न पायो है, ऐसो गर्व की ओ पापी ने जड़ खारो करवायो है। भगवान ने खारा पानी कर दिया कि जा तेरा पानी पीने लायक ही नहीं रहेगा, इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना। आइएगा अब पढ़ते हैं पंचिरमी। चिरमी गीत ध्यान देना विशेष रूप से कहां गाया जाता है, मालवा की महिलाएं। कहां की महिलाएं? मालवा की महिलाएं पीहर की याद में। आजकल तो पीहर की याद ही नहीं आती, पीहर की याद में गाती है। आज की महिलाएं दिन में 3 बार पीहर वीडियो कॉलिंग करती हैं, उनको पीहर की याद कैसे आएगी? पहले साल साल भर तक पीहर का कोई समाचार संदेशा नहीं मिलता था। दादाजी कैसे हैं, दादी कैसी है, पापा कैसे हैं, मम्मी कैसे हैं, छोटा भाई कैसे, कोई सूचना संदेश नहीं हुआ करता था, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, अलग अलग। अब साहब ऐसी स्थिति में चिंता रहती थी, पता नहीं मेरे दादाजी बुजुर्ग हैं कैसे होंगे कैसे होंगे। आजकल तो वो कड्डी बनाती है ना, तो भी वीडियो कॉलिंग करती है, हाय मम्मा क्या कर रही हो बेटा, मम्मी कड्डी बना रही हूं। वो वीडियो कॉलिंग में व्यस्त है, इतने में कड्डी उफन जाती है। इसलिए ध्यान रखना वो जमाना हुआ करता था जब यादें हुआ करती थी, आजकल तो याद नाम की कोई चीज ही नहीं है। मालवा क्षेत्र की महिलाओं को जब पीहर की याद आती है तो कौन सा गीत गाती है? चिरमी। चिरमी क्या है साहब, अगर पूछ लिया जाए चिरमी क्या है तो गीत तो है ही है, साथ में बताना है पहाड़ी बेल का सुंदर बीज। क्या है सुंदर बीज? है जो किस काम आता है बेटा जी? सोना तोलने के काम आता है, सोना तोलने के काम आता है। कोई सुनार होगा देख रहे हैं उनमें, वो जानते हैं एक चिरमी का वजन माना जाता है 1 रति, और 12 रति में 1 तोड़ा होता है, यानी कि 12 चिरमी के बराबर 12 चिरमी का मतलब 1 तोला सोना है। अब आपके मन में आएगी यार ये मालवा कहाँ है? मालवा है साहब सीतामऊ, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, खरगोन, सागर, आगर, धार, देवास, ये जो मध्य प्रदेश के जो जिले हैं, ये भले ही राजनीतिक इकाई के रूप में, भौगोलिक खंड के रूप में मध्य प्रदेश का हिस्सा है, लेकिन मित्रों सांस्कृतिक रूप से मालवा राजस्थान का हिस्सा है। क्योंकि जो मध्य प्रदेश के ये जो जिले हैं, सीतामऊ, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, खरगोन, धार, देवास, झाबुआ, ये भी आते हैं, इन सब में जो भाषा बोली जाती है वो भाषा कौन सी है? राजस्थानी।
और राजस्थानी भाषा की कौन सी बोली बोली जाती है इनमें? मालवी। कौन सी? खई रे, तू खई की दो, मुंह तो ने पिया दीदा बनारू, तू कही की दो, पानी पी दो कि नहीं पी दो, खानो खा दो कि नहीं खा दो। ये मालवी बोली है। जो मालवा कौन कौन सा इलाका? सीतामऊ, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, खरगोन, धार, देवास और झाबुआ। ये मध्य प्रदेश का जो इलाका है ये क्या कहलाता है? मालवा। और देश की आजादी से पहले ये मालवा का हिस्सा राजस्थान का ही हिस्सा था। मेवाड़ जो रियासत है उसके अधीन आता था। इतिहास में प्रश्न, आपके प्रश्न भी आता है कि विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने मालवा विजय के उपरांत किया, तो मालवा को मेवाड़ में मिला लिया, तो उसके बाद विजय स्तंभ का निर्माण किया। ये जो मालवा, ये जो जिले हैं, ये राज्य बनने से पहले, राजस्थान बनने से पहले ये मध्य राजस्थान का हिस्सा था। आज भी यहाँ राजस्थानी भाषा बोली जाती है। और इसी राजस्थानी भाषा की मालवी बोली का एक गीत कौन सा है? चिरमी। महिलाएं किसकी याद में गाती? पीहर की याद में। कौन सा गीत? चिरमी। और एक बाप को उसकी बेटी चिरमी के समाने लगती है। चिरमी से सुंदर कोई बीज नहीं, और एक पुरुष की नजर में उसकी बेटी से सुंदर कुछ नहीं हो सकता। अब वो बेटी के, अब आपके समझ में आएगा, सर आपने यहां बता दी बेल, पहाड़ी बेल का बीज है, और गीत में आता चिरमी का डाला। डाला का मतलब होता है शाखाएं। डाला मोटी मोटी जो शाखाएं होती है उनको क्या बोलते हैं? शाख को बोलते हैं डाला। तो चिरमी के तो डाला होता ही नहीं है जी। इसमें बेटी के चार रूप बताए गए हैं। चिरमीरा डाला चार, प्यारी मारी चिरमिए, चढ़ती ने दीख्यो मेड़ तो जी, चढ़ती ने दीख्यो मेड़ तो, उतरती न गढ़ चित्तौड़, वारी जाऊं चिरमीरे, चिरमीरे मारी चिरे मली, चिरमीरे मारी चिरे मली। तो मित्रों इसमें बेटी के चार रूप है। एक वो नन्ही सी गुड़िया जिसको गोद में खिलाया, एक वो गुड़िया जिसको अंगुली पकड़ के चौक में घुमाया, एक वो बेटी का वो रूप जब वो दुल्हन के रूप में विदा होती है, भीगे नैनों से पिता उसको विदा करता है, और चौथा रूप देखने के लिए बाप तड़पता है कि मेरी बेटी ना जाने ससुराल से कब आएगी, मैं कब देखूंगा। तो ये चिरमी का डाला चार, बेटी के चार रूपों का वर्णन इस गीत में है। वो गीत कौन सा है? चिरमी, जो कहाँ गाया जाता है? मालवा में। और महिलाएं किसकी याद में गाती हैं साहब? पीहर की याद में। ऐसा नहीं कि महिलाओं को पति की याद आती है, महिलाओं को पीहर की भी याद आती थी पहले वाले को, आजकल तो आती नहीं है। आजकल तो बस शादी वीर, फिर सजना और सजनी है बस। तो ध्यान देना, ये चिरमी गीत गाया कहाँ जाता है? चिरमी गीत गाया जाता है मालवा क्षेत्र में, यानी कि मध्य प्रदेश का जो सांस्कृतिक हिस्सा वो जिसमें राजस्थानी भाषा बोली जाती है उसे मालवा कहा जाता है। एक गीत है साहब हर भण, कमेंट करें हर भण गीत। हर जस नहीं है, कब गाया जाता है? दोनों पर चढ़ती है पंडित जी। क्या चढ़ती है रे दोनों पर? डाला पर डाला है, ओए होए मजा आ गया। सर प्रणाम, महादेव शर्मा नमस्कार, अच्छा थैंक यू मंजीत सिंह यादव। दोनों अलग हैं और दोनों ढाई प्याला शराब का भोग लगता है। ये ढाई प्याला शराब का भोग एक तो जीण माता के लगता है बेटा, और एक भवाड़ माता। भवाड़ माता का मंदिर मेड़ता में, जीण माता का मंदिर रड़ावता गांव जिला सीकर में है। कैसा राम आनंद कह रहा, वाह साहब गजब गुरु जी, लवली डियर मंजीत यादव हंस रहा है। माया धाबाई आती है याद, पीहर की आती है ना, अच्छे बच्चे। बुद्धाराम स्वामी हाय सर नमस्कार। सुरेश कुमार चौधरी, कमलेश, प्रवीण जांगू, पंडित जी, रितु शर्मा धौलपुर, नहीं जाती सर जी, नाइस, राम 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 राम। माही प्रजापति, बंटी डागुर, प्रकाश जाट, पार्वती, राम लखन मीणा। बताइए हरबण कब गाया जाता है? अजय सिया नागा बाबा की जय। हरिओम हरिओम हरिओम। पूजा माला जीजूसा जी जी को लॉकडाउन में नहीं आई, उसने मेरे को लोक में बंद कर रखा था, रोटी नहीं गाली। उनको भी याद आ रही होगी पीर की हैं? देखो उनको जितनी अपने पीर की नहीं याद आ रही, उससे ज़्यादा मेरे को ससुराल की याद आ रही है। बहुत शानदार फूफा जी नागा बाबा की तो सुनो। हाँ सोनल बोल, बता कहीं गेरी नागा बाबा? पानी लाया चाल बादेव, यू आर ग्रेट। ठीक है हर बण,
याद रखना, आजकल तो क्या पता कम ही करती हैं, पुराने जमाने में महिलाएं क्या करती थी, कार्तिक स्नान करती थी। आज भी करती हैं क्या? कार्तिक स्नान करने वाली महिलाएं, कार्तिक स्नान महिलाएं करती हैं, और महिलाएं कार्तिक के बाद में सर्दियां चालू हो जाती है, कार्तिक कार्तिक में नहाती हैं, फिर बेटा पूरे सर्दियों में नहीं नहाती, सियाड़ा में ठंडे ठंडे पानी से कैसे नहाया जाए, तो कार्तिक में डेली सूर्योदय से पहले ना करके बाकी सर्दियों में नहाने का कोटा पहले ही पूरा कर लेते हैं। क्योंकि अपने राजस्थान की महिलाओं का नहाने का एक नियम है कि मैं तो नावा एकांतरे जी जद गर्मी आ जाए, गर्मी में एक दिन छोड़कर एक दिन, इसको बोलते एकांतरे, कि मैं तो नावा एकांतरे जी जद गर्मी आ जाए, अरे रोजी ना किया करा कायासु अन्याय, अरे कायासु अन्याय लगावा ठंडो पानी, कायासु अन्याय लगावा ठंडो पानी, और सप्तासु नावा में श्रावण सु काती ताणी, सप्तासु नावा में श्रावण सु काती ताणी, अरे इक आगे नाभा को में फुल स्टोप चावा, दिवाली ने नायोड़ा पाचा होली ने नावा। तो दीपावली को नहाने के बाद में होली को ही है ना, तो कार्तिक स्नान करने वाली महिलाएं सुबह सुबह सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से पहले भोर भोर में सुबह सुबह गाती हैं। बेटा ऐसे गीतों को क्या कहते हैं? हरबण। याद रखना हर का मतलब है ईश्वर, तो हरबण कैसे गीत हैं? भक्ति गीत है। कैसे गीत हैं? भक्ति गीत। याद रखना अगर पूछ लिया जाए हरबण किस राग में गाया जाता है, कमेंट करें हरबण किस राग में गाया जाएगा। छोरियां सूगली है, अच्छा ये क्या कर रहा है, क्या बात क्या बात, तू सूंघता क्यों है ना लाइक सूगली है तेरे, क्या पता क्यों, ये माही प्रजापति सर अभिज्ञान को क्यों आगे क्या लिखा है, स्पेलिंग शुद्ध लिखो। अजय ठीक है, प्रियंका चौधरी छोड़ दी, ऐसे आरजे सिंह ध्यान देना, राग बताओ राग आज की आनंद की जय हो। हाँ छोड़ दिया छोड़ दिया, अरे छोड़ दी कोचिंग में तो यहीं पढ़ा रहा हूँ, पिछले छह महीने हो गए, मैंने जनवरी में छोड़ दी थी। भूपेंद्र रसिया सुना दो ऋतु, ध्यान देना इसकी राग होती प्रभा, आ रही है क्या आवाज, आ रही है क्या, आ रही है क्या बताओ, आवाज नहीं आ रही थी उस समय तो बुरी बुरी गाड़ियां निकाल देता तो भी चलती, कौन को सुन रहा था है। ध्यान देना प्रभाती राग, प्रभाती राग, प्रभाती राग में गाए जाते हैं, ध्यान दे सुबह सुबह जो गीत गाए जाते हैं वो प्रभाती राग में ही गाए जाते हैं। बताइए हरबण किस महीने में, कार्तिक महीने में सुबह सुबह गाती हैं, और भक्ति गीत हैं इनकी जो राग होती है वो राग कौन सी होती है, प्रभाती, जो प्रभात के समय गाई जाएगी, सुबह के समय गाई जाएगी वो राग कौन सी होती है, प्रभाती राग होती है। आइए एक गीत पढ़ते हैं जिस गीत का नाम है चिरजा। छोरो बहुत आता है ये प्रश्न, कौन सा गीत, चिरजा। ध्यान देना चारण कुल की देवियों के गीत,
चारण कुल की देवियों के गीत। बताइए चारण कुल की देवियों के गीत क्या कहलाते हैं? जी साहब, चारण कुल की देवियों के गीत को सिरजा कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, चारण कुल की देवियां कौन कौन सी हैं? तो चारण कुल की देवियां हिंगलाज माता। कौन सी माता? हिंगलाज माता, आवड़ माता, करणी माता, सुंधा माता, सुंधा माता, तन्नोट माता, तेमड़ा राय, इंद्रबाईसा, खोड़ियार माता, आदि। इन देवियों के गीत, इनमें से कोई सी एक्स वाई जेड, कोई सी देवी का नाम पूछ ले। जैसे मान लीजिए आपको प्रश्न आ गया कि हिंगलाज माता के गीतों को क्या कहते हैं, तो मित्रों हिंगलाज माता के गीतों को चिरजा कहते हैं। प्रश्न आ गया करणी माता के गीतों को क्या कहते हैं, करणी माता के गीतों को चिरजा कहते हैं। आवड़ माता के गीतों को क्या कहते हैं, चिरजा कहते हैं। तन्नोट माता के गीतों को क्या कहते हैं, चिरजा कहते हैं। यानी कि चारण कुल में जन्मी हुई जो देवियां हैं उन गीतों को कहा जाता है चिरजा। ये शुद्ध, ये क्या कह रहा है, हिंगलाज माता, आवड़ माता, स्वांगिया, सुंदा, करणी माता, नागणेशी माता चारण कुल की देवी नहीं है बेटा। दीप्ति, दिलीप, सालवी, नागणेशी माता राठौड़ कुल की देवी है और पौराणिक देवी चक्रेश्वरी, वो चारण कुल की देवियों में नहीं आते, उनके गीतों को चिरजा नहीं कहते। चारण कुल की देवियां हिंगलाज माता, आवड़ माता, करणी माता, सुंदा माता, तन्नोट माता, तेमड़ा राय, इंद्रबाईसा, खोड़ियार माता, इन देवियों के जो गीत हैं इन गीतों को क्या कहा जाता है, चिरजा। कोई सी भी देवी का नाम आ गया, करणी माता के गीतों को क्या कहते हैं, चिरजा। और ये राजस्थानी में अपन ने बिगाड़ दिया, सही नाम होता चर्चा, जिसमें देवी का गुणगान किया जाए, देवी की चर्चा की जाए, तो चर्चा को ही अपन ने क्या कर दिया, चिरजा। तो देवी के चमत्कारों की चर्चा करना चिरजा गीत कहलाते हैं। जो याद रखना, चारण कुल की देवियों के गीत हैं। चिरजा शब्द बना है चर्चा से बना है। अब ध्यान देना, गीत गा के सुनो। आई मारे रास रमण मंडियाव, दोड़ा गिर चालक नारी राय, चालक नारी राय धजा बंद तेमड़ वाली राय। आई मारे रास रमण मंडियाव, दोड़ा गिर चालक नारी राय। डिंगल में होते हैं गीत, याद रखना चिरजा गीत डिंगल भाषा में होते हैं, आम भाषा में समझ में नहीं आते। भाकरियो मन बामणो जटे, आवड़ मारो थान रे, डूंगरियो रलिया मणो जटे, तेमड़ मारो थान रे, जोत जगा मग जग मगर जरा, नामी गुरत निशान रे, भाकरियो मन बावणो जटे, आवड़ मारो थान रे। ऐसे जो गीत होते हैं उन गीतों को क्या कहते हैं, आ मदद चढ़णरी बेल कटे गया माई हो थारा टाबर बिल के आज विपत की आई। ऐसे गीत याद रखना, ये प्रश्न आया हुआ भी एलडीसी में भी आया था। ये चिरजा के दो प्रकार हैं, एक प्रकार कहलाता है सिगऊ और दूसरा प्रकार कहलाता है चडऊ। ध्यान देना चिरजा गीत के कितने प्रकार, दो, एक सिगऊ दूसरा चडऊ। सिगऊ गाए जाते हैं हमेशा कब, ये गाए जाते हैं साहब खुशी के मौकों पर। बताइए खुशी के मौकों पर गाए जाने वाली चिरजाओं को क्या कहते हैं? जैसे इन देवियों का करणी माता आदि को पूजने वाले, उनके घर में बेटा हो गया, नया मकान बनाया, तो बधावा की जगह चिरजा ही गाई जाती है। और चिरजा कौन सी गाएंगे, सिगऊ, जिसमें कोई कष्ट का वर्णन नहीं होता। चडऊ कब, कष्ट के समय। जैसे मान लीजिए अभी कोरोना चल रहा है और कोई देवी मैया से
गुजारिश करे, प्रार्थना करे कि हे माँ इस कोरोना को मेट। इसलिए वो उस देवी के लिए, देवी के सामने प्रार्थना करता है, वो चाडऊ चिरजा कहलाएगी। चिरजा के दो प्रकार, सिगऊ चिरजा, दूसरी चाडऊ चिरजा। मित्रों खुशी के मौकों पर गाई जाती है वो सिगऊ चिरजा कहलाती है, तो कष्ट के मौकों पर जो गाई जाती है वो क्या कहलाती है, चाडऊ चिरजा कहलाती है। अजय करा दोस्तों, लाइक ठोको और शेयर करो, अच्छा लगेगा तो अपने आप ही कर देंगे, कहने की आवश्यकता नहीं। कविता चौधरी लाइक एंड शेयर। मनजीत सिंह यादव, चंदू संकट के समय चाडऊ, सही है संकट के समय सिगऊ व चाडऊ। कई जगह इनका नाम आपको घाड़ऊ भी मिलता है, घाड़ऊ गलत है, सिगऊ ही नाम है। सर कोरोना पर गा के सुनाऊ, मेरा भाई है छोटा प्रहलाद, उसने भी लिखी है, आ मदद चढ़ने की बेर कटे गया माई। हे करणी माँ, ये मदद आने का समय था, हमारे हेल्प करने का समय था, कहाँ चली गई तू, थारा टाबर बिल के आज तेरे बच्चे आज तेरे से प्रार्थना कर रहे हैं इस कोरोना को मिटा। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार खुशी के समय गाई जाने वाली सिगऊ और संकट या कष्ट के समय गाई जाने वाली जो चिरजाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, चाडऊ। ये कह रहा आग लगा दो, आग अपने मौसम बनेगा लाइक वे शहर का भाई, क्यों कोई का गांव वाले बेटे का बाप वास्ते लगवार। ये मुखराज गुजर गुड, ठीक है ठीक है ठीक है। तो चिरजा गीत के बारे में आपने जान लिया, चारण कुल की देवियों के गीत, करणी माता औड़ माता आदि के गीतों को चिरजा कहते हैं। चिरजा के दो प्रकार हैं, एक सिगऊ है एक चाडऊ है। आइए एक गीत चलते हैं जिनका नाम है हरजस। बेटा अभी पढ़ा था हमने हर भण, और अब है हर जस। हर जस का मतलब है भक्ति गीत। कौन से गीत, भक्ति गीत। हर यानी ईश्वर, जस यानी गुणगान। जिन गीतों में ईश्वर का गुणगान किया जाए वो गीत क्या कहलाते हैं, भक्ति गीत। लेकिन याद रखना हर जस गाते कब है, बुजुर्गों की मृत्यु पर, बुजुर्गों की मृत्यु पर गाते हैं। सौ साल का होकर के डोकरा चला गया, सौ साल का होकर डोकरा चला गया तो अपने यही चर्चा चलती है कि यार वो मर गया, अरे यार सुख पाया भाई, बहुत दुख हो रहा था, परेशान हो रहा था, सौ साल का भरा पूरा परिवार, पोते पड़पोते सब है। उस समय खुशी का सा माहौल हो जाता कि यार वो बहुत परेशान हो रहा था, चला नहीं जाता था, खाट में पड़ा रहता था, तब उसके मरने पर खुशी तो नहीं होती। देखो दादा अपने परिवार का बुजुर्ग होता है, वो बड़ा सम्माननीय होता है, बहुत दिल को एक ठेस सी पहुंचती कि हमारे परिवार का अभिन्न हिस्सा, हमारे घर का मालिक चला गया, लेकिन फिर भी देखते हैं यार वो बुजुर्ग था, परेशान हो रहा था। तो भगवान के गीत गाए जाते हैं कि हे भगवान तू उनको अपनी शरण में लेना, उसकी मोक्ष हो, इसलिए रोते नहीं है। बल्कि जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों को क्या कहते हैं, हरजस। देखा होगा गाँव में बड़ा बुजुर्ग मरता तो भगवान के गीत गाए जाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं। सर मोहन कुमावत, पहचान गया मोहन, गायक कलाकार, बहुत अच्छा गाता है तू, मैंने तेरे बहुत वीडियो सुने हैं नुक्ता में। अरे नुक्ता में तो जागरणा होता है रात को, उसको डांगड़ी रात कहते हैं। ये माधव शर्मा नुक्ता में ग्यारहवीं की रात को जो भगवान के भजन गाए जाते हैं उनको डांगड़ी रात कहते हैं, हरजस नहीं कहते। ये दिनेश प्रजापति कह रहा है बिल्कुल सर, शेयर कर दो वीडियो, कर देंगे बेटा। गुरुजी प्रणाम। हाँ जोबनेर वाला जान गया, अरे बीणे जारी है, हो बीणे जारी है, हंस हंस बोल बाता थारी रह जासी, वो गीत गाया था ना हमारे इधर भजन गाते मोहनपुरी जी। बेटा अरे सॉरी मोहनपुरी जी बहुत अच्छे कवि हमारे बीच मित्र है, पता रहे उन भजनों को ही हरजस कहा जाता है। मोहनपुरी जी ये कह रहे ना हमारे इधर भजन, उन भजनों को ही हरजस कहते हैं मारवाड़ में। सूर्य प्रकाश अभय सियाग, हरिओम हरिओम, किधर है किधर है किधर है, हाँ हाँ। ये मुखराज गुजर कह रहा है सर अब नहीं आते, मैंने छोड़ दी 6 महीने पहले। सर हरजस कब गाते, लिखा है ना बुजुर्गों की मृत्यु पर। माधव शर्मा सॉरी सर, गुरुजी नमस्ते। दिलीप सालवी, नरसिंह मेहता ने, नरसिंह मेहता ने क्या, नरसिंह मेहता ने क्या, नरसिंह मेहता का तो वो गीत वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीड़ पर आई जाने रे गांधी जी का, इसका डिलीट क्यों किया है भाई, बहुत अच्छा लिखा है इसने। सर जी नमस्ते, सर विल बी ए स्टेनोग्राफर, सर गज्जू जी जितेंद्र सिंह हैं सर आपका,
अकबर बोल रहा मिस, ठीक 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 हाँ हाँ सर, रेखा हरकेश केसाराम मान प्रकाश ओमाराम अभय इंद्रराज बादु, आइए देखते हैं। तो हरजस कब गाए जाते हैं? बुजुर्गों की मृत्यु पर जो भक्ति गीत होते हैं, हर हर करता बडेरा उठा हालिया, कोई तुलसा की माला ले ली नहीं हाथ, थारे पोता करे परिक्रमा और पड़ पोता देवे से डंडो, तो हर हर करता बडेरा उठा हालिया जी। हे हरी हरी का नाम लेते भी हे बडेरे हे बुजुर्ग आदमी, तू इस दुनिया को छोड़ के चला गया, तेरे पोते तेरी परिक्रमा लगा रहे हैं और पड़ पोते तेरे दंडोत कर रहे हैं। देखा होगा जब बुजुर्ग मरता है तो उसके पोते पड़ पोते चार तो कंधा देते हैं, शेष परिवार के सदस्य आगे सो करके यूं दंडवत प्रणाम करते हुए चलते हैं, इसी को दंडोत कहते हैं ना। सर बारिश आ रही बहुत अच्छी बात है, मेर पावना कठे पड़े है बेटी के बाप, थारा उड़ गया केस काला रे, डोकिया कद फेरे लो माला, अरे थारी डग डग हाल है नाड बुढ़ापो खोटो चे, अरे तन दांत दिया चे रे मुकड़ा की सोबाने, कोई जीब दीर रट नाम बुढ़ापो खोटो चे, तारी डगमग हाल है नाड बुढ़ापो खोटो चे, तन पाम दिया चे रे तीरथ करबाने, कोई हाथ दिया रे कर दान बुढ़ापो खोटो चे। ऐसे गीतों को क्या कहते हैं? हंस गया घर हाँ मन अब के बचा ले मारी माँ, ये बटा हुआ यो लेबाने, एक आया में आठ पिंजरा है ना, वो ऐसे गीतों को क्या कहते हैं बेटा? हरजस। तो हरजस कब गाते हैं? बुजुर्गों की मृत्यु पर। मोहनपुरी जी वही गीत हरजस कहलाते हैं जो तुम्हारी तरफ भजन कहलाते हैं। हरजस उसमें भजन में भी क्या है, उसको भजना। आइए चलते हैं गीत नंबर अगला, बिण जारो। बिणजारी अलग है, बिणजारो अलग है। बिणजारी तो एक प्रेरणादायी गीत है। बिणजारी ये हंस हंस बोल बातां थारी रह जासी, और बिणजारो अलग है साहब। याद रखना बिणजारो को जो गाते हैं उनको क्या कहते हैं? कतारिया। बिणजारो गीत कौन गाते हैं? कतारिया। सुबह सुबह गाते हैं, अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह गाते हैं। सुना होगा आपने, अरे तलरिया मलरिया रे मोरु भाई लारे रया, तलरिया मलरिया रे मोरु भाई लारे रया, अब तो आयो रे धोरा वालो देश बीरो बिण जारो रे, माथो तो धोयो रे मोरु भाई मेट सू, माथो तो धोयो रे मोरु भाई मेट सू, कोई चोपड़ियो चंपेली वालो तेल बीरो बिण जारो रे, कुण तो बोलिया जी बोलिया थाने बोलना, कोई कुण तो दिनी जीनी गाल बिरो बिन जहारो रे, सासू जी बोलिया रे मोरू भाई बोलना, कोई नन दल दिनी जीनी गाल बिरो बिन जहारो रे, तलरिया मलरिया रे मोरू भाई लारे रया, अब तो आयो रे धोरा वालो देश बिरो बिन जहारो रे। ऐसे गीत को क्या कहते हैं? बिन जारा। कौन गाते कतारिया? कतारिया कब गाते हैं? सुबह सुबह। अब याद देना कतारिया कौन है, यहां से इसको इरेज करते हैं और जगह बनाते हैं और जानते हैं कतारिया। ऐसी चीजें बहुत पूछ लेते हैं, कतारिया क्या है याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊंटों पर सामान लादकर व्यापार करने वाले, ऊंटों पर सामान लादकर व्यापार करने वाले व्यापारी। इसमें बीरो बिण जारो रे, बीरो बिण जारो रे, बीरो बिण जारो रे, ये शब्द देखिएगा बिणज से बना है। बिणज किसे? और अपने बिणज, बिणज का सही अर्थ क्या होता है? वाणिज्य। वाणिज्य करता है वो, करता है बिणज। राजस्थानी भाषा हिंदी में वाणिज्य है, राजस्थानी में उसको बिणज कहते हैं। और बिणज हारो, बिणज करने वाला यानी व्यापार करने वाला क्या कहलाता है? बिणजारो। और पुराने जमाने में बेटो हम तो राजस्थान तो रेगिस्तानी क्षेत्र के लोग हैं, यहां पर बैलगाड़ियों के माध्यम से व्यापार हो नहीं सकता, क्योंकि आपने देखा होगा बैल के होते खुर,
आगे से तीखे, और वो रेत के दोरों पर चढ़ेगा तो खुर मिट्टी में चुभेंगे, धंस जाएंगे और वो गाड़ी को आगे नहीं खींच पाएगा। जबकि ऊंट के पांव आगे से गद्दीदार होते हैं, चौड़े होते हैं और वो रेत में नहीं धंसते, तो रेत में आराम से ऊंट सामान को लेकर चल सकता है। इसीलिए तो ऊंट को कहते हैं रेगिस्तान का जहाज या टाइटेनिक ऑफ इंडिया। टाइटेनिक ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? ऊंट को। रेगिस्तान का जहाज तो आपको पता है ही, ऊंट को कहते हैं, लेकिन टाइटेनिक ऑफ इंडिया ऊंट को कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार समुद्र में जहाज पर व्यापार होता है, उसी प्रकार रेगिस्तान में पुराने जमाने में लोग किस पर सामान लाद कर व्यापार करते थे? ऊंटों पर। ऊंटों पर सामान लाद कर व्यापार करने वाला क्या कहलाता है? कतारिया। बेटा उसी प्रकार यदि बैलों पर सामान लाद के, जैसे ये मोहनपुरी जी हैं, मांडलगढ़ के रहने वाले, मांडलगढ़ के पास होड़ा गांव है इनका, ये बड़ा पठारी भूभाग है, पथरीला भाग है, वहां ऊंट सक्सेस नहीं है, तो वहां पर बैलों पर सामान लाद कर व्यापार करते हैं, और बैलों पर सामान लाद के व्यापार करते हैं, उनको कहा जाता था बाड़दिया। क्या कहा जाता था? बाड़दिया। ये होम डिलीवरी करते थे, बैल पर सामान लाद कर व्यापार करने वाला बाड़दिया, ऊंट पर सामान लाद कर व्यापार करने वाला क्या कहलाता था? कतारिया। ठीक है, अब ध्यान देना, ऊंटों पर सामान लाद कर व्यापार करते हैं कतारिया गाते हैं, कतारिया सुबह सुबह गाते हैं, कतारिया वो हैं जो ऊंटों पर, तो ये गीत गाते कहाँ हैं? अरे सांड, अरे ओलिया, अरे मूसड़, सांड। अरे सांड में बैल में बड़ा अंतर होता है, जो काम सांड कर सकता बैल नहीं कर सकता, पागल। बिनजरों गीत कहाँ गाते हैं? रेगिस्तानी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? रेगिस्तानी क्षेत्र में, वहीं ऊंट सक्सेस है। अब पुराने जमाने में राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र के लोग माल खरीदने जाते थे मालवा, मालवा से वहां से चीजें खरीदते और यहां की चीज वहां बेच के आते थे। अपनी यहां की चीजें ले जाते थे मेहंदी सोजत की, यहां से ले जाते थे हीरमच, यहां से ले जाते थे पचकूटे की सब्जी, केर सांगरी आदि होती है ना, केर सांगरी ले जाते थे, यहां का गलीचा नमदा, ऐसे जोधपुर का बादड़ा, ये चीजें यहां ले जाकर के वहां बेचा करते थे, मंगोड़ी है, पापड़ है, और वहां से वापस आते समय वहां से अनाज लाते थे, गेहूं, जौ, चावल, और वो लाकर यहां बेचते। तो इस प्रकार इनका आदान प्रदान, जाते समय कुछ चीज ले जाकर उधर बेचते, आते समय वहां की चीज लाकर यहां बेचते। ऐसे व्यापारियों को क्या कहा जाता था? कतारिया। अब बेटा सिंध से यहां राजस्थान में आएंगे तो पूरा का पूरा रेगिस्तान पार करके आना पड़ता था, वो पूरा जैकोबाबाद, ये थार का रेगिस्तान, तो वो रात में चला करते थे। और आप में से कौन कौन है जिसने ऊंट की सफारी की है, केमल सफारी की, ऊंट पर बैठ के चलाए, पर कमेंट में बताएं। ओमाराम जानी कह रहा बाड़ में राजाओ ऊंट घूम रहे हैं सवारी करना, बिल्कुल आएंगे, जब छकड़े की बचड़े की नसबंदी कर जाती उसे बैल बन जाता है, हट नालायक। सर जी आगा होता है स्क्रीनशॉट, ये ले 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 बेटा ले ले। कविया जी सर की जय, मुकेश सब की जय हो। अच्छा प्रवीण भी इसको कह रहा कि सही कह रहे हैं पंडित जी, नहीं भाई सब बोले सर को वो पूरा। बहुत जल्दी कमेंट कर सोनल चौधरी, आशीर्वाद किसको दे रही है? मेरी मेरी मैंने मैंने, ठीक ध्यान देना। ऊंट पर चलते हैं तो ऊंट जब चलता है तो ऐसा लगता है जैसे माँ पालने में झुला रही है, ऊंट पर देखना यूं हिचकोले लगते रहते हैं, तग्गे तग्गे ऊंटड़ो जोधपुर जासी, तग्गे तग्गे ऐसे चलता है ना ऊंट चलता है तो। आपने सुना भी कि मन ना कहीं था ऊंट दो पर बैठे हैं, आपके छठी साथी में ना ऊंट दो, तो ऊंट चलता है तो भी यूं हिचकोड़े लगते हैं। अब ऊंट पर रात को चल रहे हैं दगचिग दगचिग, तो ऐसे वो झूला झूलते झूलते वो सवार को नींद आने लगती है। सुबह सुबह का जब ठंडा ठंडा मौसम आता उसमें और ज्यादा नींद आने के चांसेस, तो उन बिनजारों की टीम का जो कतारियों का मालिक होता था उनको जागते रहो इसलिए कौन सा गीत सुनाता था कि तलरिया मलरिया रे मोर भाई लारे रे या, तालाब और पहाड़ों का इलाका तो पीछे रह गया, अब तो आयो रे धोरा वालो देश बीरो बिन जारो रे, हे मेरे व्यापारी भाइयों अब तो अपना रेगिस्तान राजस्थान आ गया है। तलरिया मलरिया रे मोरू भाई लारे रिया, अब आयो रे धोरा वालो देश बीरो बिन जारो रे। फिर भी वो ऊंट पर झूलते हैं, उनको नींद में चल रहे हैं तो देख नींद में नीचे नहीं गिर जाते, उनको जोश दिलाता कि आज तुमने वादा किया था कि मैं चौथ के दिन, पहले ऐसे वादा चौथ के दिन आ जाऊंगा तब तक व्यापार करूंगा, आज चौथ हो गई, आज तुम्हें तुम्हारी बीवी से मिलना है, तेरी बीवी को पता आ जाएगा, इसलिए आज तेरी बीवी ने तेरे से मिलने के लिए श्रृंगार किया है।
और कट नून की नींद उड़ जाती थी। अरे राम क्या बात बताई, कैसे करता था वो वर्णन कि माथो तो धोयो रे मोरु भाई मेट सू। उसने मुल्तानी मिट्टी से अपना सिर धोया है। माथो तो धोयो रे मोरु भाई मेट सू और चौपड़ियो चमेली वालो तेल बीरो बिन जारो रे। मुल्तानी मिट्टी से सिर धोने के बाद में चमेली का तेल लगाए, क्या साइनी साइनी सुगंधित बाल हैं वो तेरे इंतजार में एकदम सज धज के तैयार खड़े, और सट उनकी नींद उड़ जाती थी। हा हा हा, रियल में ऐसा होता था साहब, याद रखना। आप कहीं हंस रहे मेट क्या है, मातो तो धोए रे मोरू भाई मेट सू, पुराने जमाने का शैम्पू होता था मुल्तानी। आज भी मुल्तानी मिट्टी आती है, पाकिस्तान की मिट्टी होती है मुल्तान एक जगह वहां की, उसको थोड़ी देर पानी में भिगो दो, उसका पेस्ट बन जाएगा, सिर पे लगा लो और इतने सुंदर शानदार बाल हो जाते हैं। पुराने जमाने वही तो शैम्पू था, वही फेस वॉश था, कोई फेस वॉश साबुन नहीं होता था। चेहरे पर वो लगा लिया करते थे मुल्तानी मिट्टी, 10-1 मिनट रखने पर वो सूख जाती, फिर धो लिया करते थे, चेहरा एकदम गोरा गट निकल जाता था। और आजकल तुम ना जाने क्या क्या लगाते हो फिर भी ऐसी रहती हो, सोनल सानल कहीं देख रहे हो ना। आजकल की सुंदरता कैसी है कि तेरी आंखें झुकी झुकी तेरा चेहरा खिला खिला, तेरी आंखें झुकी झुकी तेरा चेहरा खिला खिला और चेहरे पर हाथ घुमाया तो 250 ग्राम फेरन लवली मिला। वो नेचुरल सुंदरता थी मुल्तानी मिट्टी वाली। अरे वो मुल्तानी मिट्टी लगाने वाले तो पद्मिनी जैसी इतनी सुंदर रानियां थी कि अल्लाहुद्दीन खिलजी तक का दिमाग खराब कर दिया था, है कि नहीं। अरे ऐश्वर्या राय रे प्रियंका चोपड़ा क्या कभी तूने आईने में देखा अपना थोबड़ा, अरे ऐश्वर्या राय रे प्रियंका चोपड़ा क्या कभी तूने आईने में देखा अपना थोबड़ा, अरे सुंदरी थी चित्तौड़ की रानी पद्मिनी जिसे देखकर खिलजी भी भड़क गया था, और उसने जिस आईने में चेहरा देखा वो आईना ही तड़क गया था, वो आईना ही तड़क गया था। तो वो नेचुरल सुंदरता थी, प्राकृतिक सुंदरता थी। और मित्रों समय पूरा हो चुका है, फिर मिलेंगे। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम। कल फिर भी मिला ला 3 बजे इन्हीं टाइम इन्हीं चैनल माथे जत बना लीजिए। 3 बजे जरूर काल सगड़ा का सगड़ा आ जाओ, कल 3 बजे अपन मिलेंगे और फिर शेष रहे हुए गीतों को पढ़ेंगे। आगे जो आप बताओगे वो टॉपिक पढ़ेंगे। राम राम सा।